आप लोग जो मेडिसिन को अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पहला है कोलीमैक्स ड्रॉप, दूसरा है न्यू पेप्चिन ड्रॉप। कोलीमैक्स ड्रॉप देख सकते हैं, ये वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। बहुत ही ओल्ड फार्मा है ये और बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स को ये बनाता है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं न्यू पेप्चिन ड्रॉप, ये जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे रेप्टाकोस ब्रेट के द्वारा इसको बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा रेप्टाकोस ब्रेट। ये भी बहुत ही अच्छा और डॉक्टर का फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है छोटे बच्चों के लिए। देख सकते हैं ये दोनों ड्रॉप है, ड्रॉप है तो ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फॉर पीडियाट्रिक यूज़, बहुत छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उसके लिए ये यूज़ में लिया जाता है कोलीमैक्स ड्रॉप। और ये एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी फ्लोटेंट, ये जो है आपको छोटे बच्चे के पेट में दर्द ऐंठन ममोर रहता है उसके काम में बहुत ज़्यादा ये आता है। उसके बाद इसका कंपोजिशन देख ले, डायसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड साइमेथिकोन ओरल ड्रॉप, जो कि 10 ml के ड्रॉप में आता है। और इसका जो MRP है आप देख सकते हैं 49 rupees है। और ये जो है कोलीमैक्स के नाम से आता है, पेट दर्द, पेट में ऐठन, पेट में ममोर, छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वासदायी ये जो है ड्रॉप, इसको माना जाता है क्योंकि बहुत ओल्ड समय से ये चलते आ रहा है छोटे बच्चे के लिए। देख सकते हैं इस तरह का ये है, इसमें एक ड्रॉप रहता है जिससे कि आप छोटे बच्चे को दे सकते हैं। और इसका डोज आपको मैं बता दूं, डोज का बात करें तो जो आप मासूम बच्चा जो एक दिन से लेकर के आप जो है इसको 1 month तक जो है इसको आपको 0.5 ml देना है, 0.5 ml। उसके बाद 1 month से लेकर के 3 month तक, 1 month से लेकर के 3 months के ऊपर जो जो बेबी है उसको 5 से लेकर के आप जो है इसको 0.1 मतलब 0.5 से लेके 1 ml तक आप इसको दे सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन है। हर एक एलोपैथ मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से आप किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह के किन्हीं को ना यूज करवाएं और ना लें। आपको ये जो वीडियो है आपके जानकारी के लिए बनाया गया है क्योंकि ये जनरली बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है ये मेडिसिन। तो आप लोग भी अगर छोटे बच्चे आपके घर में है तो जनरली आप इस मेडिसिन को देखते ही होगे अपने घर पे। तो इसलिए मैं इस जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोग के बीच लाया हूँ। लेकिन अगर आपको इसको देना है अपने बच्चे को तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को यूज़ करवाएं। तो जैसा मैंने बताया एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के लिए 0.5 ml, उसके बाद 0.5 से लेकर के 1 ml 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बच्चे के लिए है। उसके बाद 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे के लिए आप उसको आप अपने हिसाब से 1.5 ml करके दे सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से। उसके बाद जो है 6 महीने से ऊपर के लिए जो कोलीमैक्स है इसका सस्पेंशन आता है, ड्रॉप नहीं आता है। 6 महीने से ऊपर बच्चे के लिए सस्पेंशन आता है, आप सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और ये न्यू पेप्चिन है देख सकते हैं, इसका भी डोज सेम रहेगा, जो एक दिन से लेकर के 1 महीने तक है उसको 0.5 ml, और जो 1 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच का है उसको आप 1 ml दे सकते हैं। 3 महीने से ऊपर 6 महीने तक के बच्चे को आप 1 से 1.5 ml दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो पैकेज है मैं आप लोग को वो भी दिखा दूं, तो इसका देख सकते हैं कार्बिनेटिव मिक्सचर विथ डाइजेस्टिव एंजाइम न्यू पेप्चिन ड्रॉप 15 ml में आता है। ये 10 ml का है, आपको देख सकते हैं कोलीमैक्स ड्रॉप जो है ये 10 ml का है और ये जो न्यू पेप्चिन है ये 15 ml का है। और इसका जो पैकेज है उसको मैं आप लोग को दिखा दूँ, देख सकते हैं इस तरह का ये है। और ये थोड़ा महंगा आता है देख सकते हैं, इसका जो MRP है 15 ml का 101 rupees है, 101 rupees का जो है ये इसका MRP है। इसका भी डोज मैंने बता दिया कि जो एक दिन से लेके 1 महीने तक के बच्चे हैं उसको 0.5 ml, और 1 महीने से लेके 3 महीने के बच्चों में आप 0.5 ml से 1 ml दे सकते हैं। उसके बाद 3 महीने से जो 6 महीने के बीच के बच्चे हैं उसको 1 ml से 1.5 ml के बीच आप उसको दे सकते हैं। अब इसका यूज जो है न्यू पेप्चिन का जो यूज है, इसको आप जैसे बच्चों का पेट फूलना, पेट फूल जाता है
गैस बन जाता है बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लगता है, मतलब सही से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते दूध को, दूध जो वो पीता है उससे वो पीते दूध पीते ही उसको उल्टी आ जाना, मतलब जैसे ही वो उसको दूध पिलाया जाता है वो उस दूध को पचा नहीं पाता है, उल्टी कर देता है छोटा बच्चा। तो उस कंडीशन में म्यूपेप्सिन को दिया जाता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करता है, पेट में जो फंसा हुआ गैस होता है उसको बाहर निकालता है, और स्टूल जिस बच्चे को दो दिन तीन दिन से स्टूल नहीं हो रहा है, लैट्रिन नहीं हो रहा है क्लियर, उसके लिए भी ये है। उसको इसमें देने के बाद जो है, इसको देने के बाद जो है स्टूल भी वो टाइम पे होगा, सही से होगा। तो जब ये दोनों मेडिसिन आप बच्चे को देंगे तो फिर आपके बच्चे का जो पेट का प्रॉब्लम है, कंप्लीट पेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, और ये जो है न्यूपेप्सिन के नाम से और ये कोलीमैक्स के नाम से आता है, ये वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो है रेप्टाकॉस ब्रेड के द्वारा बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है देख सकते हैं इसका जो इसमें डोजेज भी इसमें लिखा हुआ है, इन्फेंट्स 0.5 ml, अबाउट 12 ड्रॉप्स डेली इन सिंगल और इन टू डिवाइडेड डोज, मतलब इसको आप जो है जनरली तो प्रैक्टिस के अनुसार डॉक्टर इसको तीन टाइम सुबह में दोपहर में शाम में तीनों टाइम यूज़ करवाते हैं इसको भी, और लेकिन ये जो कोलीमैक्स है इसको दो टाइम जनरली यूज़ करवाते हैं जो फिजिशियंस डॉक्टर्स होते हैं, कोलीमैक्स को दो टाइम सुबह में और शाम में यूज़ करवाते हैं, और न्यूपेप्सिन को तीन टाइम सुबह में दोपहर में और शाम में तीन टाइम इसको दिया जाता है, जिससे कि इसका जो कंपोजिशन है आप देख सकते हैं, पेपाइन डील ऑयल एनाइस ऑयल उसके बाद करावे ऑयल ये सब इसमें मिक्स रहता है, जो कि गैस को नहीं बनने देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है बच्चे के लिए। पेट में दर्द हो, ऐठन हो, एक्सेस गैस बन रहा हो, पेट फूल रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो, दूध पीते ही वोमिटिंग हो जा रहा हो, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।